अपने सबने देखा होगा सपने फोन में, तो अब सब हम लोग फोन पे ही लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। अब क्या देखा आपने? देखा कि आज तक पहले भी बहुत प्रधानमंत्री यूएस जा चुके हैं, इस बार ये विजिट कुछ अलग स्तर का विजिट था। क्यों था? ये था क्योंकि एक मोदी जी की अपनी पहचान, मोदी जी की छवि, मोदी जी का एक किस्म से जो उनको दुनिया में आज लोग मानते हैं कि दुनिया में और खासकर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में वो अब एक बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड क्रेडिबल लीडर है। और जब मोदी जी कुछ तय करते हैं या वो कुछ पोजीशन लेते हैं, इसका पूरा असर जो है बल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है। एक तो लीडरशिप, फिर है आइडियाज कि पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले 9 साल में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज जो हैं वो भारत से आए। जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ तो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव रखा, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में डिजास्टर रेजिलियंस, जो क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट के कारण हर साल हर महीने हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर के लिए हम कैसे अपनी तैयारी करें। या 2015 में उनका प्रस्ताव था कि दुनिया जून 21 को योग दिवस के रूप में मनाए, और आप सब जानते हैं कि ये योग दिवस इट हैज बिकम एक्चुअली टुडे रियली अ ग्लोबल फिनोमेना।